देश में आए दिन हो रहे रेप और अन्य घटनाओं के विरोध में बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रव्यापी जेल भरो आंदोलन के आह्वान पर शुक्रवार को बहुजन क्रांति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सह संयोजक एडवोकेट मोतीराम मेंसा के नेतृत्व में जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। देश के मूल निवासी बहुजनों के साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की और आंदोलन के तहत पुलिस को गिरफ्तारियां दी। बहुजन क्रांति मोर्चा संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ अभियान के तहत शुक्रवार को देश भर में जेल भरो आंदोलन के क्रम में सरहदी बाड़मेर में भी मोर्चे के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने अपनी गिरफ्तारियां दी। बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक वामन मेश्राब के नेतृत्व में यह आंदोलन 30 अक्टूबर को देश भर में चलाया गया। सरहदी बाड़मेर में मोर्चे के लोगों ने स्थानीय महावीर पार्क में बैठक का आयोजन किया। बैठक को संबोधित करते हुए मोर्चे के प्रदेश संयोजक एडवोकेट मोतीराम ने बताया कि इसमें दो राय नहीं कि एससी एसटी ओबीसी व धर्म परिवर्तित अल्पसंख्यक समुदाय की जो प्रगति हुई है वह केवल लोकतंत्र और संविधान के लागू होने के बाद ही हुई है, लेकिन हकीकत यह है कि अब साजिश के तहत बहुजन समाज को संविधान के तहत मिले अधिकार को धीरे धीरे खत्म करने की कोशिश चल रही है। षड्यंत्र के तहत पुनः मनुस्मृति का राज स्थापित करने का काम शुरू है, जिसका हमारे समाज के लोगों को भनक तक नहीं है। आज जो हमारी मांग है वो बहुजन क्रांति मोर्चा के बैनर तले राष्ट्रव्यापी जो चार चरणों का कार्यक्रम रखा गया है, जो 8 अक्टूबर 15 अक्टूबर 23 अक्टूबर को तीन चरणों में हो चुका है, और आज चौथे चरण और अंतिम चरण में हम लोग जेल भरो आंदोलन का जो कार्यक्रम यहाँ कर रहे हैं, गिरफ्तारी देंगे। देश भर के अंदर हमारी बहन बेटियों के साथ में जो जघन्य अपराध हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, उसके बाद उनका मर्डर किया जाता है, इस प्रकार की जो वर्तमान में घटनाएं हो रही हैं उनके विरुद्ध में हमारा ये कार्यक्रम है, और आज जो अंतिम चरण में हम लोग गिरफ्तारी दे रहे हैं। और हम संगठन के बैनर तले ये आंदोलन और ये आवाज़ माननीय राष्ट्रपति महोदय तक पहुँचाना चाहते हैं कि देश में इस प्रकार का प्रावधान किया जाए ताकि हमारी घर में बहन बेटियाँ सुरक्षित रहें। ये आंदोलन इसी बात को लेकर किया जा रहा है कि ताकि बहुजन समाज जान पाए कि उसके साथ किस तरह का खेल खेला जा रहा है। मोर्चे के जेल भरो आंदोलन के मद्देनजर कलेक्ट्रेट परिसर में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। मोर्चे के दर्जनों कार्यकर्ताओं को पुलिस ने सांकेतिक गिरफ्तार किया और उन्हें गाड़ियों में भरकर ले गई।